आज कोलकाता में एक बार फिर तनावपूर्ण माहौल देखने को मिल रहा है। बता दें, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप मर्डर के विरोध में छात्र और मजदूर संगठनों ने बड़े पैमाने पर रैली का आयोजन किया है। इस घटना के खिलाफ पश्चिम बंगाल छात्र समाज और संग्रामी योद्धा मंच ने नबन्ना अभियान मार्च निकाला और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारियों की रैली दोपहर करीब 12:45 सतरागाछी से शुरू हुई। रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ने का प्रयास किया, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज, वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इस पुलिस कार्रवाई में दर्जनों प्रदर्शनकारियों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। पुलिस ने इस रैली को हिंसक और गैर कानूनी करार देते हुए इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। नबन्ना जाने वाले 7 रूट पर 3 लेयर में लगभग 6,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। 19 जगहों पर बैरिकेडिंग और 21 पॉइंट्स पर DCP की तैनाती की गई है। हावड़ा ब्रिज को भी बंद कर दिया गया है, जबकि निगरानी के लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। नबन्ना के पास धारा 144 के तहत BNS की धारा 163 लागू की गई है, जिसके तहत यहां 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी है। इसके अलावा भारी कंटेनरों का इस्तेमाल कर सड़कों को अवरुद्ध किया गया है, ताकि प्रदर्शनकारी आगे न बढ़ सके। इस घटना के बाद कोलकाता में स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है और प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है कि स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखा जाए। इस समय कोलकाता की सड़कों पर तनावपूर्ण माहौल व्याप्त है और यह देखना होगा कि आगे की स्थिति किस दिशा में जाती है।